हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी। हमने लास्ट क्लास में इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिस्कस किया था, तो आज हमारे पास है एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम एच से दिखाते हैं, तो एंथैल्पी का सिंबल होता है एच। अब इसका मींस क्या है, ठीक है ना? एंथैल्पी में और इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है? तो दोनों ही एनर्जी की फॉर्म है। अगर हम किसी सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर बदलेंगे तो उसे एंथैल्पी में चेंज कहेंगे। सॉरी, अगर हम किसी सिस्टम की एनर्जी को कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज करेंगे तो उसे इंटरनल एनर्जी में चेंज बोलते हैं, और वही चेंज अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं तो हम उसको एंथैल्पी में चेंज कहते हैं। एंथैल्पी का कंटेंट इंटरनल एनर्जी से कम और ज्यादा भी हो सकता है। अब जो हमारी एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको पहले लिखा रहा हूं। जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है, इसका मीन्स है कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। नंबर दूसरी बात, एंथैल्पी अमाउंट पर डिपेंड करती है। अगर हम कंटेंट अमाउंट बढ़ा देंगे तो एंथैल्पी की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब कोई चीज अमाउंट पर डिपेंड करती है तो हम उसको एक्सटेंसिव क्वांटिटी कहते हैं। जब कोई कंटेंट या कोई क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है तो हम उसको एक्सटेंसिव क्वांटिटी कहते हैं। तो एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। नंबर थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई और डेल्टा एच, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई और डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद हो तो एंथैल्पी के क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आगे चलते हैं कि एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या हो। एंथैल्पी इक्वल होती है ई प्लस पीबी के। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो जो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा अगर हम उसको ऐड कर दें तो एंथैल्पी निकल आती। अगर हम इसमें चेंज कैलकुलेट करें तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल पी बी हो जाएगा। हम यहाँ पर दो दो वेरिएबल हैं तो हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम चेंज कर दिया, जबकि दूसरी वाली कंडीशन में हमने प्रेशर को चेंज किया है और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। अब एंथैल्पी निकालते ही कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो जब हम एंथैल्पी निकालेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, ये वाला पार्ट डेल पी बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल एच डेल ई प्लस पी डेल बी। अगर हम इसको आरटी के टर्म्स में या हीट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखना, पी तो है कांस्टेंट, तो पी बी वन एन वन आरटी, दूसरा होगा पी बी टू इज इक्वल टू एन टू आरटी। और अगर हम इसका चेंज निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा हमारा पी बी टू माइनस बी वन
इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन आर टी, क्योंकि ये दोनों चेंज है तो हम इसको लिख सकते हैं पी डेल बी और डेल एन आर टी। अगर मैं P डेल्टा B की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट कर दूं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस डेल N R T। जब हम डेल N G यहाँ पर हम, क्योंकि P भी N R T जो इक्वेशन है वो सिर्फ गैसियस स्टेट पर ही अप्लाइड होती है, तो हमने इस n के नीचे g लिख दिया और यहां पर है गैसियस मोल्स में चेंज कितना हुआ है प्रोडक्ट और रिएक्टेड, तो डेल्टा g कैसे निकालेंगे वो हम इसके बाद देखते हैं। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर टू। यहां पर एक टेक्निकल डिफिकल्टी आती है जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते, और वो ये है कि इसकी यूनिट किलोजूल पर मोल होती है और इसकी यूनिट भी किलोजूल पर मोल होती है, जबकि आर की यूनिट जूल में गिवन होती। अब न्यूमेरिकल निकालना है तो दोनों की यूनिटें सेम होनी चाहिए, इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट इसमें इस वाले पार्ट को 1000 से डिवाइड कर देता हूं। पर ध्यान रहे कि अगर यूनिट सेम है मीन्स ये भी जूल में गिवन है, तो फिर हम 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। ये 1000 सिर्फ तभी लगेगा जब डेल एच और डेल ई की यूनिट किलो जूल में गिवन हो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का मतलब है चेंज इन गैसियस मोल। अब गैसियस मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के गैस में से रिएक्टेंट के गैस को माइनस कर, अगर सॉलिड होगा छोड़ देंगे, लिक्विड होगा छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम गैस को ही कंसीडर करेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन है PCl5 गैस, और PCl5 गैस डिकम्पोज हो गई PCl3 गैस में और Cl2 गैस। अब प्रोडक्ट में तो दो मोल हो गए गैस के, 1 और 2, और रिएक्टेंट में 1 मोल हो गया, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। और जब मैं इस डेल्टा एन जी की पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो डेल्टा ई और ये वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी, तो डेल एच की वैल्यू ग्रेटर होगी डेल ई से। कब होगी, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब भी डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी एच की वैल्यू डेल्टा ई से बड़ी होगी। अगर हम यहां से इक्विलिब्रियम को कोरिलेट करें तो केपी की वैल्यू केसी से बड़ी आएगी जब भी डेल्टा एच जी की वैल्यू हायर हो। क्लियर। अब हम देखते हैं एक ऐसा एग्जांपल जिसमें डेल्टा एच जी की वैल्यू 0 आएगी। तो जब डेल्टा एच जी की वैल्यू 0 आती है तो डेल्टा एच और ई इक्वल होते। एग्जाम्पल, हमने H2 गैस की रिएक्शन I2 गैस के साथ में कराई, दोनों की रिएक्शन से हमको 2HI गैस मिले। प्रोडक्ट के 2 मोल गैस है और रिएक्टेंट के 1 और 1 मोल गैस, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब 0 हो जाएगी तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस ये पार्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो डेल एच की वैल्यू इक्वल होगी डेल ई के बराबर। अगर हम यहां से इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो डेल एच केपी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी रिएक्शंस में केपी और केसी की वैल्यू बराबर हो। अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ऐसा एग्जांपल जिसमें
डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव। जब हम एन टू प्लस थ्री एच टू की रिएक्शन कराते हैं, गैस और गैस ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करती हैं जो गैस। यहां पर अमोनिया के टोटल टू मोल्स बने हैं तो प्रोडक्ट के टू मोल बने माइनस रिएक्टेंट में थ्री मोल्स हाइड्रोजन के हैं और वन मोल नाइट्रोजन का है तो टोटल मोल हो गए फोर, तो माइनस टू वैल्यू आ गई। अब जब मैं इस माइनस टू को यहाँ डेल्टा एन जी की जगह पुट करूंगा तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई माइनस टू आर टी, मतलब डेल्टा ई की जो भी वैल्यू होगी उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर डेल्टा एच आएगा जो हमेशा डेल ई से स्मॉलर होगा। तो जब भी डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो समझ जाओ कि डेल एच स्मॉलर होगा और डेल एच बराबर केपी होता है, डेल एच बराबर केपी होता है तो केपी स्मॉलर होगा केसी से और डेल एच स्मॉलर होगा डेल्टा ई से। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं एक एग्जांपल और चेक करते हैं कि आपको कुछ समझ आया या नहीं आया। तो हमारे पास है एग्जांपल नंबर फोर और एग्जांपल नंबर फोर में कार्बन सॉलिड के रिएक्शन CO2 गैस के साथ कराई। जब हमने दोनों की रिएक्शन कराई तो इनकी रिएक्शन से हमको 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स मिले। अब प्रोडक्ट के तो 2 मोल गैस है तो हमने लिख लिया 2, लेकिन रिएक्टेंट में ये सॉलिड है और गैस का सिर्फ एक ही मोल है, कौन सा? CO2। तो 2 में से जब हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, ठीक है ना। डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है और जब भी डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेल एच की वैल्यू डेल ई की वैल्यू से बड़ी हो। हमने जो भी अभी पढ़ा है उसको हम यह समरी में लिख देते हैं। डेल एच बराबर डेल ई कब? जब डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई जब डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1, 2, 3 कुछ भी हो पॉजिटिव होनी चाहिए। डेल्टा एच की वैल्यू डेल ई की वैल्यू से कम होगी जब डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव हो। अब क्योंकि एच केपी को रिप्रेजेंट करता है तो आप एच की जगह पर केपी भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां साइड में लिख रहा हूं केपी बराबर केसी, केपी लेस ग्रेटर देन केसी और केपी लेस देन केसी। तो यहां पर मैंने थर्मो को और इक्विबिलियम को एक साथ इम्पॉर्टेंट जो भी आया है वो बताने की कोशिश की है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट छोटे से टाइम में सीख सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन डेफिनेट आ ही जाता है या कहीं पर यूज करने के काम आता है। अब हम इसके बाद इसकी कुछ न्यूमेरिकल चेक करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे कहता है 1 मोल वाटर वेपर्स को हम आइडियल गैस अज्यूम करते हैं 1 बार और 1000 डिग्री पर। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि H2O लिक्विड को 100 डिग्री टेम्परेचर पर और 1 बार प्रेशर पर हमने H2O गैस में कन्वर्ट कर दिया, गैस से बेटर है वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया और इस वेपर्स को हम आइडियल गैस अज्यूम कर रहे हैं। और इस पूरे ही प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू 41 किलोजूल पर मोल का चेंज आए। अब वो कहता है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, इसका इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करो। इसी क्वेश्चन को वो ये कह सकता है कैलकुलेट द एनर्जी चेंज
या हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या यहां पर लिख सकता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज इतना है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट चेंज है। तो हमने देखा एच दे रखा है, ई पूछ रहा है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों चीजें हैं। तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, क्योंकि यहां ये क्लोज जूल में दे रखा है इसलिए मैंने इसको बाय डिफॉल्ट 1000 से डिवाइड कर दिया। डेल्टा एच को क्यूपी भी कहते हैं और डेल्टा ई को क्यूबी भी कहते हैं, तो हम इसकी जगह पर ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन जो इसके आते हैं उसमें वो डायरेक्ट एंथैल्पी नहीं कहता है, वो हमको देता है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज या कहता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट चेंज। हमने फिर इसका निकाला डेल्टा एच जी, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में वन मोल वेपर्स या गैस और रिएक्टेंट साइड में लिक्विड है, इसलिए इसके एनजी की वैल्यू वन हो जाएगी। इससे पता लगा एनजी की वैल्यू वन है, पॉजिटिव है, तो डेल एच की वैल्यू बड़ी होगी और डेल ई की वैल्यू स्मॉलर होगी। क्लियर? हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो डेल एच की वैल्यू हमारे पास 41 है, डेल ई हमको निकालनी है, प्लस एन जी की वैल्यू 1 हो गई, 8.314 आर की जूल में वैल्यू है, जूल में। और टेम्परेचर कितना 100 डिग्री में, जब मैंने 273 ऐड किया तो केल्विन में टेम्परेचर 373 हो गया। केमिस्ट्री में जब भी कभी टेम्परेचर आता है तो हम केल्विन में ही रखते हैं, उसका रीजन ये है कि केल्विन स्केल में कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ जहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस निकाला जा रहा हो, मतलब डेल्टा टी, वहां आप सेंटीग्रेड में रख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस बराबर है। इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 37.94। इसका मींस है कि अगर हम इस रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर में करेंगे तो उसके लिए इतनी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, लेकिन अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो हमें केवल 37.94 किलोजूल एनर्जी ही प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसका यूज ये है कि भैया अगर हम पानी को ओपन कंटेनर में बॉईल करेंगे तो ज्यादा एनर्जी यूज होगी, लेकिन अगर हम उसी पानी को एक क्लोज कंटेनर में कुकर में बंद करके उसका वॉल्यूम कांस्टेंट करके गर्म करेंगे तो कम एनर्जी यूज होगी। इसलिए जब घर में सब्जी पकाते हैं तो हम बर्तन को ढक देते हैं या प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन जीरो होता है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन जीरो नहीं होता, इसलिए ज्यादा हीट का यूज होता। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक और एग्जांपल। अगला एग्जांपल ये है कि एक स्विमर का मतलब समुद्र तैरने वाला आदमी, जब स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में गया और जब वो बाहर निकला तो उसकी बॉडी पर 18 ग्राम पानी चिपक गया या उसकी बॉडी पर 18 ग्राम वाटर स्टिक कर गया। ठीक है, अब इस पानी को उड़ाने के लिए उसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी अपनी बॉडी की कंज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, 100 डिग्री पर वाटर की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 40.66 गिवन है। तो हमने यहां से पता किया कि H2O लिक्विड गैस, ये लिक्विड था और ये गैस, इस प्रोसेस में वो उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कह रहा है 40.66 किलो जूल।
क्लियर। यहां से मुझे पता लगा कि इसका वेट है 18 ग्राम। अगर मुझे उसकी बॉडी से 18 ग्राम पानी को हटाना है तो मुझे इतनी हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर उसकी बॉडी पर वो क्वेश्चन में 36 ग्राम कहता, 36 ग्राम कहता, तो इसके जस्ट डबल एनर्जी उसकी बॉडी में से जाती है। इसलिए जब हम पानी में से बाहर निकलते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है। वो ठंडक इसलिए महसूस होती है कि ये H2O हमारे बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करके, ये H2O हमारी बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करके ऑपरेट हो जाता है। इसलिए नहाने से हमको ठंडक महसूस होती है। क्लियर। तो 18 ग्राम वाटर को हटाने के लिए हमको 40.6 किलोजूल हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हमें इसके साथ साथ इंटरनल एनर्जी भी पूछी हुई है। तो इंटरनल एनर्जी मोस्ट और लेस और मोर इतनी के आसपास ही आएगी, क्योंकि ये 41 है और वो 40.66 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी कम मैं यहाँ लिख देता हूँ। 40.66 इज इक्वल टू डेली प्लस 1 × 8.314 × 373 / 1000। और जब हम इस सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू 30.56 किलो जूल आ जाती है। ये वैल्यू ज्यादा अथेंटिक है, एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है। ये दोनों ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। हम अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और भारत के हर एग्जाम में आ चुका है, भारत के हर एग्जाम में आ चुका है। क्लियर। क्वेश्चन ये है कि अगर हम बेंजीन को कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर, बेंजीन को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अलग अलग बर्न करें तो उसकी हीट चेंज में कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम इस बेंजीन को एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे बर्न करें तो दोनों की हीट में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले तो हमें बेंजीन को जलाना पड़ेगा। बेंजीन लिक्विड होती है। जब मैं इसकी रिएक्शन 7.5 O2, आप इस 7.5 O2 की जगह पर 15/2 O2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आया कहाँ से अभी बता, 6 कार्बन की वजह से ये 6 O2 देगा और 6 हाइड्रोजन की वजह से 3 H2। कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट गैस होती है, जबकि H2O लिक्विड में रूम टेम्परेचर पे मिलता है, ठीक है ना। और हम इस रिएक्शन को 25 डिग्री टेम्परेचर पर कर रहे हैं। 25 डिग्री टेम्परेचर पर H2O की स्टेट लिक्विड होती है। क्लियर। तो देखो 6 × 2 = 12 और 3, टोटल 15 ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो मैंने 7.5 × 2 करके इसे 15 कर लिया। आप चाहो तो इसको 15/2 भी लिखा जा सकता है। अब मैंने डेल्टा एनजी निकाला तो ये भी गैस है तो ये तो हट जाएगा H2। तो 6 − 7.5, क्योंकि बेंजीन भी हट जाएगी क्योंकि डेल्टा एनजी में सिर्फ और सिर्फ गैस को रखा जाता है। तो टोटल डेल्टा एनजी की वैल्यू -1.5 आ। डेल एच इज इक्वल टू डेल ई −1.5 × 8.314 × 298। अगर जूल में आंसर निकालना है तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, और अगर किलो जूल में निकालना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना। हमने डेल एच और डेल ई का डिफरेंस निकाला तो ये बराबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई
और डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू करीब करीब 3.7 किलो जूल के अप्रोक्स आ जाएगी। तो दोनों की हीट में इतना डिफरेंस होगा। इस एच की जगह पर क्यूबी और डेल ई की जगह पर क्यूबी भी लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन रिसेंटली 21 या 20 में जेई के पेपर में भी आ चुका है, नीट के पेपर में भी आ चुका है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं 11th 12th में थर्मो है नहीं, तो 11th नीट जेई नेट तो ऑलमोस्ट सब में आ चुका। अब कभी कभी वो हीट ऑफ रिएक्शन भी निकलवाता है इसी क्वेश्चन, हीट ऑफ रिएक्शन में वो आपको इक्वेशन देता है या हीट ऑफ रिएक्शन में ये 15/2 नहीं करते, तो 15/2 रिएक्शन अगर उसने हमें ऐसे दे दी तो ये सारे कंटेंट डबल हो जाएंगे और ये वाली जो वैल्यू है वो 1.5 की जगह 3 हो जाएगी। तो हीट ऑफ रिएक्शन निकालने पर बैलेंस्ड इक्वेशन यूज करी जाती है तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो जो हमारा 3.7 आंसर आया है वो जस्ट डबल हो जाएगा और 7.4 के आसपास आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है या केवल एंथैल्पी में चेंज। एंथैल्पी में चेंज और इंटरनल एनर्जी में चेंज 1 मोल के लिए ही कैलकुलेट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम बेंजीन का 1 ही मोल ले सकते हैं। लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन के केस में, हीट ऑफ रिएक्शन के केस में जितने मोल्स गिवन है वही यूज करते हैं। तो हम हीट ऑफ रिएक्शन से लेकर एक छोटी सी प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको भी यहीं पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि N2 प्लस 3H2 की रिएक्शन हुई और दोनों की रिएक्शन से NH3 बन गया और इसके नीचे डेल HR मतलब हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है -91.6 किलोजूल पर मोल। अब वो कहता है इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन या अमोनिया की हीट ऑफ रिएक्शन 91.6 किलो जूल है, तो अमोनिया की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी। तो हीट ऑफ रिएक्शन को छोड़कर बाकी सारी क्वांटिटी 1 मोल के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो अब हमें ये 2 मोल की बजाय 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 मोल्स अमोनिया से हीट प्रोड्यूस हुई या जो भी हुआ है वो 91.6 किलो जूल है, तो 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी 91.6 डिवाइडेड बाय 2, तो जस्ट इसकी हाफ हो जाएगी 45 या 46.1 के आसपास, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल है और जो 11th के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली जेई में इतने आसान क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते, ठीक है ना। ये वाला आ चुका है पर इनके आने के चांस बहुत ही कम है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकते। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एंथैल्पी के बाद अगला टॉपिक हीट कैपेसिटी। जेई में आजकल हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन, जेई मेंस में और एडवांस में हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम कल डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। ये सारे ही को वीडियो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में किंग केमिस्ट्री गूगल प्ले स्टोर पर मिल सकते हैं, आप वहां से इनको परचेज कर सकते हैं बहुत ही जेन्यून छोटी सी कीमत में, जिससे आपको मिलेगा किसी भी एग्जाम में जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें सक्सेस। थैंक यू।